पाकिस्तान के सिफारती मुहाज से वही कामयाबी। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ शंघाई सहकार तंजीम जो सेवीहो सरबराही इजलास पाकिस्तान 27 वरियन का कें आलमी इवेंट की मेजबानी कई। चीन ई रूस समेत 8 मुल्क वजीर आजम ईरान जो नायब सदर भारत जो परदेही वजीर जयशंकर इजलास में शरीक। वजीर आजम जिना कन्वेंशन सेंटर आमद के मौजूद मेहमान की आजिया कई। मेंबर मुल्कन नए इक्तिसादी डायलॉग के इतफाक करे वरतो। मेंबर मुल्कन विच में 8 दस्तावेजन ते सही तंजीम की बजट बाबत मामले की मंजूरी। मेंबर मुल्कन की दहशतगर्दी खिलाफ इलाकाई एग्जेक्टिव कमेटी बाबत दस्तावेजन ते सही। एससीओ की सदारत रूस हवाले कई वही। एससीओ की ईंदड़ सरबराही इजलास की 2025 में रूस मेजबानी कंदो। इजलास में तंजीम मेंबर मुल्कन विच में सियासी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी व्यापार मैशियत सीड़पकारी सकाफत के शोबन में सहकार बढ़ाने पर जोर। एक बे की खुदमुख्तियारी जो एहतराम इलाकई सलामती के अजम जो वर्जाव। पधराई में चयो है तो साइंसी टेक्निकी ऐजादन तोड़े डिजिटल मैशियत के असरायते तरीके से इस्तेमाल करण जरूरी है। मेंबर मुल्कन के सरबराहन तरफा एससीओ जो कामयाब इजलास कराण से पाकिस्तान के खराज तहसीन पेश। एससीओ इजलास में अहम फैसला किया वह। शंघाई सहकार तंजीम जो इजलास पाकिस्तान के वो एजाज है। गुजरल एक साल दौरान पाकिस्तान इजलास की सदर तौर इलाकई सहकार कैती वन माहौलियाती तहफ़ गुर्बत के खात्मे नौजवान के बाख्तियार बनाने के लिए कदम कया। पाकिस्तान मेंबर मुल्क सहकार कदे खिते की तरक्की में जरदार किरदार अदा कर फाल किरदार अदा कर नायब वज़ीर आज़म साहब जी जे एससीओ के सेक्रेटरी जनरल से गड इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एससीओ जनरल सेक्रेटरी जोंग मिंग जो चवण है तो पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के लिए बेहतरीन कदम कया। पाकिस्तान एससीओ जो अहम और मुतहरक मेंबर है। जटादार तरक्की लाए इलाकई तरक्की ए मुल्कन विच में राबता अणतर है। एससीओ इजलास इलाकई सहकार बढ़ाने लाए अहमियत जोगो है। असाके पेंजे मुल्क जे माण्हुनि जी जिंदगी जो मयार बेहतर करणो आहे। शंघाई सहकार तंजीम जे इजलास मां पूरी उम्मीद आहियां त उन जो नतीजो सुठो निकरंदो। मौजूदा सूरत हाल में सहकार करण जी ज़रूरत आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो शंघाई सहकार तंजीम जी सरबराही इजलास के ख़िताब सदस्य वड़ा आहे त इलाकाई तरक्की लाइ बालन एंड रोड मनसूबो इंतिहाई ज़रूरी आहे। चाहूँ था तो अफगानिस्तान की सरजमीन बेन मुल्क खिलाफ दहशतगर्दी ला इस्तेमाल न थे। अफगानिस्तान में अमन जहा ख्वाहिशमंद आयो। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के इस्तेमाल का रोकण ला आलमी बरदरी मदद करे। मुआशी सरकार ला एससीओ के नई हिकमत अमली से गौर करो पवो। मौसमियाती तब्दीली सबब दुनिया के वक्त चैलेंजस के मुंह डो पी रो है। कुदरती आफतन के मुंह डण ला गडियल सरकार से ध्यान दियण पवो। गुर्बत मुआशी न पर इखलाकी मसलो है। गुर्बत के खात्मे लाए बुनियादी मसलन के हल से ध्यान दियण पवो। आलमी बरदरी के गाजा आई लबनान में इजरायली बर्बरियत रोकण ला कदम खड़ना पवंदा। असा एक बे के इलाकई सलामती ए खुदमुख्तियारी जो एहतराम करण घुर्जे। सहकार एक तरफो न पर हकीकी भाईवारी से बधल होजन घुर्जे। तरक्की इस्तेहकाम जो दारोमदार अमन से है। अमन जो मतलब दहशतगर्दी इंतिहा पसंदी खिलाफ़ सख्त रवैयो अख्तियार करना है। शंघाई सहकार तंजीम जो मकसद मेंबर मुल्क में दोस्ती बेहतर लागापन के हथी वठण है। कर्ज जो बार एक संगीन मसलो है। दुनिया जटदार तरक्की जहा हदफ हासिल कर में रुधल है। टेक्नोलॉजी एक पासे नयू उम्मीदों खड़ी अची रही है तो बे पासे दुखियाई भी आने रही है। कोरोना वायरस पुठते पियल मुल्क के वधीक नुकसान पहुंचाया। मौसमियाती तब्दीली मुआशी तौर पर भी नुकसान पहुंचाया है। एससीओ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने से पाकिस्तान के वाधायूँ दिया तो भारत के परदेही वजीर जयशंकर जो एससीओ कॉन्फ्रेंस के खिताब। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज लाहौर में नारी सा ज्यादती बाबत प्रोपगेंडा कंदड़न खिलाफ कार्रवाई जो हुक्म दे छो। सदस्य वड़ा है शागिर्दियाणी ज्यादती न पर किरियल साजिश जो शिकार बनी। कूड़ी खबर फैलाने में मुलविस अंसरन खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कयो वने। कूड़ की कहानी ठाई वही बेबुनियाद खबर के इशू बनाया वो। मसले जो समूरियो हकीकतू हासिल कर आवाम के आलो रखी वेंद बार बार जे एहतजाज ए दफे के सद की नाकामिन बाद एक किरियल खतरनाक मनसूबो अड़े वक्त में जोड़ो जडे एससीओ थी रो है। पीटीआई दहशतगर्द तंजीम है।
आइनी तरमीमन ते इतफाक राय की जरूरत है। आइनी तरमीमन लाइ नंबर जो को मसलो ना है। पीटीआई एहतजाज मुलतवी कर संजीदगी जो मुजाहरों एहतजाज जो सद वापस वे पीटीआई के मुबारकू दिया तो असं सियासी मुखालिफ जरूर आयो पर दुश्मन ना हूं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल नाम अहमद जो कराची में मीडिया से गाल संद चवे तो मुल्क मुख्तलिफ चैलेंजस के मुंह दई रो है। पाकिस्तान सभी जो घर है, घर खुशहाल हों तो सब खुशहाल हों, सभी के मुल्क खातिर संजीदगी जो मुजाहरों करो पव। मौलाना फजल रहमान पीटीआई के राजी करने लाए राबते में है। दुनिया जो को भी आइन एहतजाज के नाले से तशद की इजाजत न तो दिए। सिंध की आवाम लाए खुशखबरी, बिजली से हलंदड़ बाइक्स जो इफ्तिताह। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जिलनाम मेमर इलेक्ट्रिक बाइक्स जो इफ्तिताह कर छो। कराची की मकामी होटल में मुनक़िद तकरीब में मुख्तलिफ़ मुल्क सफीर अमलदार शरीक। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिलनाम मेमर जो चवड़ा है तो इलेक्ट्रिक बाइक्स पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बचने से गडोगड माहौल जो भी तहफ़ुज़ माहौल के नज़र में रखंदे असा के ग्रीन तवनाई से वनो पव। ग्रीन एनर्जी लाए असा सभी के किरदार अदा करो पव। हैदराबाद में भी इलेक्ट्रिक बाइक्स ठही रन। कंपनी के गुजारिश भी कई है तो इतने इलेक्ट्रिक गाड़ियों जो प्लांट लगाए वे। असो टारगेट है तो जल्द का जल्द ईवी टैक्सीज आणजन। सिंध के घरू खाते डॉक्टर शाहनवाज कुंभर के वाके की जुडिशल इंक्वायरी जो फैसलो करे वरतो। घरू वजीर जियाल हसन लंजार की हिदायत से घरू खाते सिंध हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के खत लिखी छो। खत में चाहिए तो पुलिस इंक्वायरी में साबित थो तो डॉक्टर शाहनवाज के कूड़े मुकाबले में मारो वो। वाके की जांच लाए जुडिशल कमेटी जोड़ी वे। जिम्मेवार तयन किया वे। हाईकोर्ट के हाजिर सर्विस जज का इंक्वायरी कराई वे।